हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लगाई मोदी की पाठशाला, स्कूली बच्चों संग सुनी पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने देश भर में आज देश भर के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के साथ चर्चा की और बच्चों को पढ़ाई का मूल मंत्र दिया। तो वहीं यमुनानगर में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचकर स्कूली बच्चों के साथ कार्यक्रम का हिस्सा बने और पूरा कार्यक्रम सुना। शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम के बाद इस तरह की चर्चा का हिस्सा बनने पर खुद को सौभाग्यशाली बताया और कहा कि हमारे पीएम हर वर्ग की चिंता करते हैं और एक अभिभावक की तरह बच्चों का ध्यान रखते हैं। ना सिर्फ बच्चों का मार्गदर्शन किया बल्कि अभिभावकों को भी प्रेरित किया। बच्चों के बीच बैठ के पूरा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो हर वर्ग की चिंता करते हैं और उसमें चर्चा भी करते हैं और एक अभिभावक की तरह उनको इस प्रकार बात की भी चिंता है कि अभी जिस प्रकार से बच्चों के की परीक्षाएं हैं तो उसमें कई बार वो टेंशन में जाते हैं, दबाव में जाते हैं, तो उनको दबाव से निकालना और इस प्रकार का एक माहौल तैयार करना उसके लिए उनका जिस प्रकार का प्रयास है और अभिभावकों के लिए भी किस प्रकार से उनका व्यवहार रहना चाहिए उसके प्रकार का उसका भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया। तो मैं तो बहुत उससे प्रभावित हूँ उससे और मैं समझता हूँ निश्चित तौर से बच्चे उनके मार्गदर्शन से लाभ उठाएंगे। कार्यक्रम के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्कूल का भी निरीक्षण किया। कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा के स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले कई गुना बेहतर हो चुके हैं। हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा के सभी सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला करेंगे। बच्चों को अच्छी सुविधा मिले इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा स्मार्ट बोर्ड स्कूलों में लगाए गए हैं और टैब बच्चों को वितरित किए गए हैं ताकि बच्चों की शिक्षा में सुधार हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी भी दूर होने वाली है क्योंकि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और देखा जाए नहीं, देखिए जैसे हमने टैब दिया, ये टैब कोई छोटा मोटी काम नहीं है। अब कहाँ है, मैं दावे से कह रहा पूरी दुनिया में भी किसी ने किया इसने। जैसे स्मार्ट बोर्ड हम देने लग रहे तो और सारे सारी चीजें हम करने लग रहे तो निश्चित तौर से डुअल टैक्स है और अभी हम स्कूलों का सौंदर्यीकरण दूसरे हमने 7 चीजें उसमें जोड़ी हैं और हमने उसके लिए 25 लाख रुपए दिए हैं। तो हम सारे स्कूलों में जिस जैसी किसी की डिमांड है, मान लो किसी की 5 लाख की है, किसी की 10 की, किसी की 20 की, किसी की 25 की, तो हमने शुरू कर दी और अभी हम सभी जिलों में कुछ ब्लॉक हमने चुने उनमें काम शुरू कर रखा। जैसे इनका काम कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम सारे हरियाणा में ये काम कराएंगे और वो 25 लाख रुपये जो हैं हमने SMC को ही दे दिए और हमारा जो हेडमास्टर है या हमारा प्रिंसिपल है वो और SMC वो मिलकर उस काम करेंगे, काम की क्वालिटी बढ़िया होगी, जल्दी भी होगा। कहा जाए कि बेहतर शिक्षा जो है प्राइवेट की जगह सरकारी में मिलेगी यहाँ पे। बिल्कुल निश्चित तौर से हम दिखाएंगे आपको, पूरे मुकाबला करके दिखाएंगे। हमारे और अध्यापकों की जो कमी थी वो भी आने वाले टाइम में जल्दी हम पूरी कर देंगे क्योंकि जल्दी भर्ती होने वाली है। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।